हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। सो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन के बारे में। बेसिकली हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, उसे परफॉर्म करने के हमारे क्या क्या मेथड होते हैं, देन दूसरा हम टॉर्च लाइट से हम क्या क्या चीज़ आँख में देख सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी आँख में देख सकते हैं हम। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप जो होता है पेशेंट को देखने का या फिर पेशेंट को डायग्नोस करने का, वो हमारा टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन रहता है, जिससे हम काफ़ी डिजीज़ जो है काफ़ी आँख की बीमारी को हम पहचान लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टॉर्च लाइट से देख सकते हैं, और कुछ इमेज जो होती हैं जैसा कि एक हमारे पर्किंजे इमेजेस जो बनती हैं वो भी हम टॉर्च लाइट से देख सकते हैं। तो इन सब के बारे में मैं डीपली आपको बताने वाली हूँ। सो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ, आइएगा हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें अगर हमारे पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के बाद, उसका हम सबसे पहले पेशेंट की क्या है परेशानी पूछते हैं, पेशेंट को क्या दिक्कत होती है, उसकी जो हमारी चीफ कंप्लेंट रहती है पेशेंट की, उसके बाद उसकी हिस्ट्री लेते हैं। पहले आपको कोई आँख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, कोई चोट तो नहीं लगी, उसका PGP वगैरह देखते हैं। सारा कुछ डायग्नोस करने के बाद जब हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन पर आते हैं, जब हम टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करते हैं तब हम कैसे करते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेरे हाथ में है टॉर्च। और हम क्या करते हैं टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट को सबसे पहले हम बोलते हैं, हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप मेरे माथे पे देखिएगा। तो हम सबसे पहले हमारा जो स्टेप रहता है वो होता है कि हम पहले RAPD देखते हैं पेशेंट का। RAPD नॉर्मल है पेशेंट को, हम ये देखते हैं पेशेंट को कोई स्किन तो नहीं है। उसके बाद हम पेशेंट की क्या है हेड पोस्चर वगैरह देखते हैं, क्या जो हेड पोस्चर है पेशेंट का नॉर्मल है, पेशेंट की जो लिप्स हैं वो नॉर्मल है, अगर जो लिप्स होती हैं जो आईलैशेस हैं उनमें कोई डैंड्रफ तो नहीं है, आईलैशेस वगैरह चेक करते हैं। तो हम एंटीरियरली जा रहे हैं, सबसे पहले हमने हेड पोस्चर देखा, उसके बाद पेशेंट की लिप्स देखी, लिप्स में कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लाइक आपका ब्लेफराइटिस या टोसिस वगैरह इस टाइप की तो कोई हमारे लिप्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, पेशेंट को स्क्विंट तो नहीं है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट का जो सफ़ेद वाला पार्ट है जिसको हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, उसमें तो कोई परेशानी नहीं है, उसमें तो कोई उसको इन्फेक्शन तो नहीं है, तो हम उसका क्या है कंजक्टाइवा वाला पार्ट अच्छे से पूरी तरह डायग्नोस करते हैं टॉर्च से। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट की जो काली पुतली जो होती है जो कॉर्निया है उसमें कोई ओपेसिफिकेशन तो नहीं है, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है काली पुतली में, उसको देखते हैं। बिल्कुल मेरे माथे पे देखिएगा आप। उसके बाद हम पेशेंट का पीपल देखते हैं, पीपल प्रॉपर वर्क कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो रहा है पीपल या नहीं हो रहा है, तो हम उसे देखने का हमारा मेथड ये रहता है, पहले हम टॉर्च लगाते हैं आँख पर फिर हटा लेते हैं। तो पीपल क्या है, अगर आपका पीपल ठीक है तो जब आप टॉर्च डालोगे तो वो एकदम सिकुड़ जाता है, और आप टॉर्च हटा लेते हैं तो पीपल ऑटोमेटिक फैल जाता है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट होने लगता है जब हम टॉर्च लगाते हैं तो एकदम सिकुड़ जाता है, और जब हम टॉर्च हटा लेते हैं तो क्या है पीपल ऑटोमेटिक फैल जाता है। जैसा आपने एग्जाम्पल देखा होगा, अगर आप एक रोशनी वाले रूम में जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक पीपल क्या है कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगता है, मतलब एक तरह से सिकुड़ने लगता है, लेकिन जब हम अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो जो हमारा पीपल होता है वो ऑटोमेटिक क्या है हमारा डायलेट होने लगता है, मीन्स फैलने लगता है। तो इस तरह से हम टॉर्च से देख लेते हैं। दूसरा क्या है उसके बाद हम टॉर्च से क्या है अंदर आँख में देखते हैं, पीपल देख लिया हमने, कॉर्निया भी देख ली, आइरिस भी देख ली, इससे हम आइरिस भी देख लेते हैं, आइरिस कोलोबोमा तो नहीं है, आइरिस कोलोबोमा का मींस होता है जो आइरिस के जो टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंस होते हैं, लाइक आपको होल टाइप से दिखाई देता होगा अगर आपने देखा होगा। नॉर्मली ये जो दिक्कत देखने को मिलती है वो जिन पेशेंट को ग्लूकोमा होता है उनकी सर्जरी होती है बेसिकली उनमें भी दिखाई देता है कोलोबोमा, क्योंकि जो टिश्यूज जो होते हैं वो ऑपरेशन के थ्रू वहाँ से कट कर दिए जाते हैं। देन अगर किसी पेशेंट का पहले जो ऑपरेशन होते थे, अगर कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ तो मे बी आपको उस कंडीशन में भी कोलोबोमा देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं लेंस पर, टॉर्च से क्या है हम लेंस भी देख सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को लेंस में कोई भी दिक्कत है, लाइक अगर आपका कैटरेक्ट है
स्टार्टिंग का इमेच्योर कैटरेक्ट इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं हम टॉर्च से। अगर मैट कैटरेक्ट है या कैटरेक्ट की कंडीशन सही है तो हम टॉर्च लाइट से कैटरेक्ट भी देख सकते हैं कि पेशेंट को कैटरेक्ट है या नहीं है, या फिर आँख में कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से हम काफ़ी, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन से बहुत कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं, आँख में स्क्विंट वगैरह भी देख सकते हैं, आँख हमारी नॉर्मल है या नहीं है, किसी को क्या है स्क्विंट हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये टॉर्च जो है ये हमारा एक तरह का ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट समझिएगा आप, क्योंकि इससे हम बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं आँख में। सो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों की रिकमेंडेड थी कि मैम हमें इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइएगा, सो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। सो अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।